लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। संस्कृति सुवास आभा विज्ञान। बच्चों, यह संपूर्ण संसार ऊर्जा से निर्मित है, फिर वह चाहे इंसान हो, प्राणी हो या निर्जीव वस्तु, हर एक पदार्थ में ऊर्जा की मौजूदगी है। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में विद्यमान सातों चक्रों से आभा मंडल का निर्माण होता है। शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। इन सातों चक्रों से उत्पन्न हुई ऊर्जा शरीर के सभी रोम छिद्रों के माध्यम से शरीर से बाहर इंद्रधनुष के रंगों जैसे अदृश्य ऊर्जा वृत्त का निर्माण करती हैं। उसे ही आभा मंडल और अंग्रेजी में ऑरा कहा जाता है। जैसे देवी देवताओं के चित्रों में पीछे गोलाकार प्रकाश दिखाई देता है, यह ऑरा हमारे शरीर के आसपास एक एनर्जी सर्कल होता है। विज्ञान की भाषा में इसे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, किंतु ऑरा डिटेक्टर से इसकी फोटोग्राफी कराई जा सकती है। जब साधक दीर्घ काल तक ध्यान साधना करता है तो उसका आभा मंडल धीरे धीरे बढ़ता जाता है और कई मीटर तक फैल जाता है। यही कारण है कि संतों और महापुरुषों की आभा मंडल के संपर्क में आने से दूसरों को भी आध्यात्मिक शांति और आनंद का अनुभव होता है। ये हैं डॉक्टर हीरा तापड़िया, जो कई बड़े बड़े संस्थानों में ऑरा के विषय में लेक्चर दे चुके हैं और सम्मानित भी हुए हैं। डॉक्टर तापड़िया के अनुसार संत श्री आशाराम जी बापू के ऑरा का अध्ययन तो चौंकाने वाला रहा। संत श्री आशाराम जी की आप यहाँ ऑरा देखें, ये ऑरा मेरे को करने पे मैंने इसे 3 मीटर लंबी ऑरा पाई। 3 मीटर लंबी की ऑरा का मतलब है 3 मीटर की डिस्टेंस तक कोई भी व्यक्ति उनके पास आएगा, उनकी ओरा से आविर्भूत हो जाएगा, उनकी ओरा के प्रभाव में रहेगा, उनकी ओरा उसे कवर करेगी। बापू की ओरा में आप देखेंगे पूर्णतया लाल रंग और साथ में इंडिगो कलर और वॉयलेट कलर की आप छाया देखेंगे। वॉयलेट कलर आध्यात्मिक का सबसे बड़ा शिरोमणि बनाने का प्रभाव दिखाती है। जो वॉयलेट कलर है वो सिद्ध ऋषि मुनियों या बड़े संतों के देखने को मिलता है ज़्यादातर। वॉयलेट कलर आने का मतलब है आपका आज्ञा चक्र और आपका सहस्राधार वो प्रबुद्ध हो गया है, वो खुल गया है, वो चार्ज हो गया है, वो एनर्जी ले रहा है, एनर्जी दे रहा है। बापू की ओरा में जो लाल कलर और ये यहाँ पे जो कम्बिनेशन ऑफ कलर दिखाई दे रहा है, ये कलर इंडिकेट करता है कि बापू शक्ति देते हैं, शक्तिपात करते हैं। बापू की इस ओरा से दूसरे की नेगेटिविटी लेना और अपनी ओरा में से शक्ति उसको देना, शक्तिपात करना, ये इनका खास इनकी ओरा का प्रभाव देखने को मिल सकता है। दूसरा, इनकी ओरा की जो लंबाई है वो बड़ी खास है, जिससे ये व्यक्ति को तुरंत क्लीन दूर से कर सकते हैं, दूर से उसे एनर्जी दे सकते हैं। मैंने बापू का एक दो प्रवचन के अंदर, मैं बापू ने बुलाया था, मैं गया था कलकत्ता के अंदर, तब मैंने एक बड़ी खास बात देखी। जिस समय प्रवचन करते हैं तो इनकी ओरा कोई 50 फुट लंबी, 60 फुट लंबी खींच के अपने आप हो जाती है उस समय। ये एक बड़ी विशेषता मैंने देखी, एकदम इलास्टिक बैंड की तरह ओरा सबको छा जाती है, सबको कवर कर लेती है। ये मैं जो आपको बता रहा था ओरा के अंदर कैसे आध्यात्मिक आपकी सब चक्रों की जानकारी मिलती है। सहस्राधार पूर्ण 100% लेवल पे चल रहे हैं, मूलाधार पूर्ण 100% लेवल पे चल रहे हैं, पर बीच का कैसा व्यक्ति आपके सामने आया वो ऊपर नीचे आपको खिलाता रहता है। बड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि ये सहस्राधार का चक्र मैंने इतने लोगों की मिलता नहीं है,
मिलता नहीं है। औरों की अगर मैं अगर ये रीडिंग दिखाऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा या माइनस में चल रहे हैं। बापू कहे पूर्ण सहस्राधार ऊपर तक आया हुआ, इसके आगे कोई परसेंटेज ही नहीं है, परसेंटेज ही नहीं है। मैंने बापू की ओरा की तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ, उस ओरा में 10 जन्मों से राधर 10 जन्म तक मैं उसमें पढ़ पा रहा था, पूर्व जन्मों को 10 जन्मों से वो ओरा उसी तरह वर्क करती आ रही है। मतलब पिछले 10 जन्मों से बापू यही काम कर रहे थे, लोगों को एनर्जी दे रहे थे, शक्तियाँ दे रहे थे, लोगों को स्वस्थ कर रहे थे, लोगों में ज्ञान बांट रहे थे, यही काम कर रहे थे, जो मुझे बड़ा विशिष्ट लगा। डॉक्टर तापड़िया ने तो ये अध्ययन अब किया है, लेकिन बापूजी के भक्तों को इस बात का आभास बरसों से हो रहा है। तभी तो बापूजी के आने की खबर सुनते ही भक्तों का विशाल सैलाब हाजिर हो जाता है और पूरा का पूरा पंडाल हरिओम हरिओम की गूंज से गूंज उठता है। देखा बच्चों, हमें गर्व है कि हम ऐसे गुरुदेव के शिष्य हैं। अगर किसी को महापुरुषों और भविष्यवाणियों में श्रद्धा न हो तो उसे एक विश्व प्रसिद्ध ऑरा विशेषज्ञ डॉक्टर हीरा तापड़िया के तथ्यों पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसे नास्तिक लोगों को भी मानना पड़ता है।